हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सिरोही जिले के ओटमन टोल नाके के पास देर रात करीब 3 बजे एक बस रोड से नीचे खड्डे में उतर गई। बस के खड्डे में उतरने से करीब 50 से 55 लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि यह बस पीएम के जनसंवाद कार्यक्रम से लौट रही थी। सूचना मिलने पर पालेड़ी पुलिस थाना व प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और एम्बुलेंस की सहायता से घायलों को सिरोही के राजकीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इस दौरान अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। मौके पर जिला कलेक्टर बाबूलाल मीणा, AASP पन्नालाल मीणा, जिला अध्यक्ष लंबूराम अस्पताल पहुंचे। घायलों में भूला सरपंच कन्हैयालाल भी शामिल है। यह बस पिंडवाड़ा पंचायत समिति के लाभार्थियों से भरी हुई थी। फिलहाल सभी घायलों का राजकीय अस्पताल में उपचार जारी है। हमारे जो है प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा में जो बुला पंचायत है उस क्षेत्र के उज्ज्वला योजना के लाभान्वित जो जयपुर गए थे, वापस आते वक्त पालड़ी के पास में गाड़ी धक्के आने से नीचे उतर गई, उससे काफ़ी हल्की फुल्की चोटें आई। एक दो जन सीरियस है और हमें जैसे सूचना मिली हमने एम्बुलेंस भिजवा दी। CMSF साहब जिला कलेक्टर महोदय को भी सूचना दी। जिला कलेक्टर महोदय यहाँ पधार गए और सभी डॉक्टर साहब सर्जन वगैरह यहाँ पे अटेंड कर लिया है और जो लोग प्रॉब्लम सबको अटेंड कर लिया है। सब पहुँच गए हमारे तहसीलदार भी मौके पर पालड़ी हम पहुँच गए। सिरोही से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।